हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलमंड लेमन केक। तो हम जो आज केक बनाएंगे उसे हम आलमंड फ्लोर से बनाएंगे। ये टोटली ग्लूटीन फ्री होगा और उसमें हम लेमन कौन सा यूज़ करेंगे इसकी भी डिटेल दी है और उसमें कितना मेजरमेंट है वो सब बताया है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं वो केक। बट बिफोर दैट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर माय वीडियो, प्लीज़ फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम एंड प्लीज़ लाइक माय फेसबुक पेज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया। बाउल में ये 2 कप आलमंड फ्लावर है। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालूंगी। देखिए, ये पूरा नहीं भरा है मैंने। इसको हमें स्विफ्ट नहीं करना होता है, छन्नी से हम छानेंगे नहीं, क्योंकि ये वैसे भी थोड़ा दरदरा है तो होगा नहीं। 1 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप आलमंड फ्लावर देखेंगे तो ये काफ़ी दरदरा होता है, तो अगर हम इसे छानेंगे तो ये छानेगा नहीं ठीक। तो बेटर है हम इसको बस ऐसे ही मिक्स कर लें। अब हम ये हो गए हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट। अब हम लेंगे वेट इंग्रेडिएंट। तो फ्रेंड्स, ये आलमंड लेमन केक है, तो हमें जो हम लेमन लेंगे वो ये येलो लेना है, और फिर इसका हमें जिंस्ट चाहिए होता है। ठीक है, हिंदी में ऐसे कहेंगे इसका ऊपर का छिलका। ओके, तो हम क्या करेंगे, हल्के हल्के से बस ऐसे ऐसे ग्रेट करेंगे। हमें पूरा अंदर वाला नहीं चाहिए, सिर्फ येलो येलो चाहिए। ये देखिए, ये ऐसा बारीक बारीक हम ग्रेट कर लेंगे इसको। देखिए, ये इसका मैंने छिलका पूरा ग्रेट कर लिया, इतना निकला है। एंड दिस इज लेमन, और अब इसको स्क्वीज कर लेंगे पूरा, क्योंकि हमको लेमन का रस भी चाहिए। अगर आपके लेमन छोटे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा आपको जूस नहीं मिल रहा है तो आप एक के बदले 2 भी ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने छिलका निकाल लिया है। मेरे यहाँ बहुत बिग नींबू था तो वो 1 में हो गया, और उसमें 2 टेबल स्पून में लेमन जूस निकला। तो अगर आपके यहाँ छोटे लेमन हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो ग्रीन नहीं होने चाहिए, येलो होने चाहिए। या तो आप 2 ले लीजिए 2 कप के हिसाब से, और बड़ा लेमन है तो 1 से इनफ होगा। ये हमने ले लिया। अब हम वेट इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे। मैंने देखिए एग लिए हैं 5। ये 5 एग का मैंने येलो एंड वाइट पार्ट को अलग कर लिया है। तो सबसे पहले हम येलो पार्ट यूज़ करेंगे। इसमें हम डालेंगे शुगर 1/2 कप। हम लोग थोड़ी कम शुगर खाते हैं, अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाना है तो 2-3 टेबल स्पून एक्स्ट्रा कर सकते हैं। 1 टीस्पून वेनीला एक्स्ट्रैक्ट, क्योंकि एग की स्मेल आती है थोड़ी सी। 1/2 कप ऑयल लेंगे, मैंने ये ऑलिव ऑयल लिया है, और अगर आपको चाहिए तो आप बटर भी ले सकते हैं या घी भी ले सकते हैं, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। आप हैंड मिक्सर से भी इसको बीट कर सकते हैं या हाथ से भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। आपको हैंड मिक्सर से या हैंड से ऐसे बीट करना है कि ये कलर इसका चेंज हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो लेमन जूस हमने लिए थे वो, और ये ग्रेटेड वाला लेमन, इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमारे वेट इंग्रेडिएंट भी हो गए हैं। एक और वेट इंग्रेडिएंट रेडी करना है, बट उससे पहले हम ओवन ऑन करेंगे। बेक का ऑप्शन लेंगे, 350 के लिए करके प्री हीट के लिए स्टार्ट कर देंगे हम। तो फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम लोग ये मिक्स करने के लिए। अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब इस बाउल में हमें ये वाइट एग भी बीट करना है, तो अब इसको डालेंगे और मैं इसमें अच्छे से इसको बीट कर लूंगी इलेक्ट्रिक मिक्सर से। तो फ्रेंड्स, देखिए ये कितना फ्लफी सा हो गया है, क्रीमी सा। तो हमें यहाँ तक बीट करना है कि ये क्रीमी सा हो जाए। ठीक है, अब हम इसको इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे, और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून योगर्ट। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना भी चाहो तो ना डालो, लेकिन इसको डालने से थोड़ा टेस्ट और अच्छा आता है। देखिए, पूरा अच्छे से मिक्स हो गया। ठीक है, अब हम पैन लेंगे जिसमें हमें बनाना है। मैं ये ब्रेड का पैन ले रही हूँ, आप सर्कल ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, जो भी ठीक लगे। इसमें मैंने हल्का सा बटर ऑयल लगाया है, ये देखिए। ठीक है, लेकिन इसके साथ मैं इसमें ये बटर पेपर रखूँगी, ताकि हमारा केक हमें निकालने में ईजी, और उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी। इसमें कई बार ऑयल बचा होता है तो मैं उसी को यूज़ करूँगी।
फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से बटर कर दिया है उसमें बटर पेपर में। अब मैं ये डालूंगी। देखिए ये रेडी है। अब इसमें हम डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा बादाम रस से हम डाल देंगे। अब हमारी आलमंड केक ओवन में जाने के लिए रेडी है। बस हम वेट कर रहे हैं कि हमारा ओवन प्रीहीट हो जाए 350। और मैं ये नीचे इसलिए रख रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ऊपर रखा था तो नीचे का थोड़ा सा ज़्यादा बेस थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो गया था, विच आई डोंट वांट इट, तो मैं इसलिए नीचे रख रही हूँ। देखिए बहुत इजीली निकल आया है, तो ये फ्लफी सा हमारा केक है ना। ये हल्का सा देखिए यहाँ ब्राउन हुआ है, तो हमने ऑलरेडी वो लगा चुके थे इसमें बटर पेपर, तो उससे कम हुआ है, नहीं तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आलमंड फ्लावर है। अगर ये ज़्यादा ब्राउन हुआ है तो देखिए आप ये ऐसे ऐसे करके निकाल सकते हैं हल्का हल्का, पर ये मेक श्योर आप थोड़ा ठंडा होने पर करिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए केक मैंने कट करके लाई हूँ और ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बना हुआ है। देखिए ये शेप इसलिए आया है क्योंकि मैंने शायद ठीक से बटर पेपर को उसके अंदर लगाया नहीं था। बट आप बटर पेपर में उसे ठीक से लगाइए, या फिर आपके पास अगर सर्कल या स्क्वायर का है जिसमें थोड़ा थिक पैन है उसमें डायरेक्टली भी रख सकते हैं बटर या घी लगा के, या फिर ऑलिव ऑयल या जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं वो लगा के। इसमें आपको जो वेनीला एसेंस है वो डालिएगा क्योंकि एग्स ज़्यादा है। अगर आपको लगता है आपके जैसे मेरे ये जो हमारे हम मैंने जो यूज़ किए हैं एग, वो पेस्चराइज एग है तो थोड़ा उसमें स्मेल कम होती है, बट कुछ जो एग होते हैं नॉर्मल होते हैं जो पेस्चराइज नहीं होते उसमें थोड़ी सी मुझे लगता है स्मेल ज़्यादा होती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर आपको लगता है स्मेल कम है नॉर्मल है तो आप उतना ही वेनिला एसेंस डालिए जितना मैंने कहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा ज़्यादा स्मेल है तो आप थोड़ा ज़्यादा वेनिला एसेंस डाल सकते हैं। देखिए अभी ये बहुत सॉफ्ट है, हम लोग ट्राई करके देखेंगे कैसा बना है। बहुत टेस्टी है, प्लीज़ आप लोग ये बनाइए क्योंकि ये बहुत ही यम्मी बना है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। और अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि इसे बनाने में डिफ़िकल्टी आ रही है या कोई क्वेश्चन है या उसका कुछ ऑप्शन चाहिए आपको, आप प्लीज़ आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको जवाब मिलेगा। बाय।